पीएचई घोटाले में से 5 करोड़ रुपए की राशि से आरोपी हीरा लाल ने बेला की बाड़ी पर होटल का निर्माण किया है। यह खुलासा घोटाले में सामने आए एक खाता धारक से पूछताछ में हुआ है। खाता धारक ने बताया कि उसे हीरा लाल ने बेला की बाड़ी पर नमन राज होटल एंड रेस्टोरेंट का निर्माण करने के लिए खाते में राशि ट्रांसफर की थी। इस होटल की बिक्री रोकने के लिए एड्रेस एसपीसीसी केस मीणा ने एसडीएम को पत्र लिखा है, जहाँ आगे बढ़ने पर घोटाले की राशि बढ़कर 19 करोड़ से रुपये 40 करोड़ तक पहुँच सकती है। जो घोटाला उजागर हुआ है वह 2018 के बाद का है, जबकि विभागीय सूत्रों के अनुसार घोटाले की यह प्रक्रिया उससे भी काफ़ी पहले से चल रही थी। एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा ने बताया कि पीएचई घोटाले में खाते धारक से पूछताछ में उसके खाते में ट्रांसफर की गई धनराशि का होटल निर्माण के लिए दिए जाने की बात बताई है। इस होटल की बिक्री रोकने के लिए एसडीएम को पत्र लिखा गया है। नहीं, इसमें जैसा कि आपको मालूम है कि एक ऑडिट रिपोर्ट में जो पीएचई डिपार्टमेंट है उसमें लगभग 15-16 करोड़ का घोटाला एक सामने आया था। उसी के आधार पर क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर की जांच चल रही है। उसी में एक डॉक्यूमेंट, एक जांच जो ट्रेजरी विभाग में हुई थी उसको हमने, वो जांच कंप्लीट हो गई ट्रेजरी विभाग में, और हम काफ़ी दिनों से ट्रेजरी विभाग से वो जांच हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें संलग्न करना चाह रहे थे। अभी 2 दिन पहले वो जांच हमें मिल गई है, उसको हमने अपने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना लिया। उसी में जो लगभग 70-75 अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, उसमें आगे बढ़ते हुए विवेचक ने एक अकाउंट होल्डर को बुलाया था। उसका कहना था कि उसको जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वो एक कंस्ट्रक्शन का काम देखता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई का काम देखता है, तो उसके नाम पे उसको पैसा ट्रांसफ़र होना बताया है उसने प्रथम दृष्टया। और जो पूरी की पूरी जांच है क्राइम ब्रांच थाना में चल रही है। क्राइम ब्रांच के जो हमारे विवेचक हैं उन्होंने आज से लगभग 10-15 दिन पहले ही इसमें एक पत्राचार एसडीएम को किया है, जिसमें कुछ ऐसे बिंदु निकल के आ रहे थे कि जो ये पूरा घोटाला है उसका पैसा कहीं किसी पर्टिकुलर आदमी ने अपने एक जो कहते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए लगाया है, तो वो संदिग्ध प्रॉपर्टी थी। तो एसडीएम को पत्र लिखा है कि इस प्रॉपर्टी को अभी इस पूरे प्रकरण में संदिग्ध माना जा रहा है और जो घोटाला हुआ उसके पैसे से बना हुआ माना जा रहा है। तो रिक्वेस्ट की गई है कि अगर ये प्रॉपर्टी को बेचने की कोई प्रोसेस शुरू होती है तो बिना पुलिस के संज्ञान में लाए उसमें कोई आगे की कार्रवाई नहीं की जाए, और कोशिश की जाए कि उसको नहीं बेचा जाए जब तक कि उस प्रॉपर्टी की जो संदिग्धता है वो या तो प्रूव हो जाए या डिसप्रूव हो जाए। तो इसमें अभी जांच चल रही है, जैसा भी होगा उसके बाद जो हमारी वैधानिक कार्रवाई है, इन्वेस्टिगेशन बड़ा मैटर है, थोड़ी जांच इसमें और टाइम लगेगा, लंबी जांच चलेगी।